मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ऑब्लिस के गाइड से रिलेटेड और लोकी के यूनिफॉर्म से अपडेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक एंड तक देखना। वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि लोकी का सीजन 2 कब आएगा, तो लोकी का सीजन 2 आने में अभी कुछ लोग ऑफिशियली बोल रहे हैं कि सितंबर में आएगा, कुछ लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि भाई जुलाई में आएगा। तो एग्जैक्टली लोकी का सीजन 2 का एग्जैक्टली डेट कब आने वाला है ये कुछ पता नहीं, और जब तक इसका लोकी का सीजन 2 का अपडेट आएगा नहीं तब तक लोकी का नया वाला यूनिफॉर्म नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम है और उसके वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स को लोकी बोलने से पहले सोच तो लिया होता, और उसके वजह से काफ़ी सारे लोगों को लोकी का यूनिफॉर्म लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब लोकी का यूनिफॉर्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और मैंने भी काफ़ी टाइम से बोल रखा था कि लोकी का यूनिफॉर्म मत लेना क्योंकि उसका अपकमिंग अपडेट में आने वाला है। तो अभी देखते हैं लोकी का सीजन 2 कब तक आएगा, और उसके साथ में उसका टीयर 4 भी आएगा प्लस न्यू यूनिफॉर्म भी आएगा। तो ऐसे कंडीशन में अभी हम लोग फंस गए हैं कि अभी करें तो करें क्या। एक तो आएगा लेट सेप्टेम्बर तक बोला, यानी ये इस साल के सितंबर मंथ में लोकी का सीजन 2 आएगा, तो तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, विदाउट लोकी का इस्तेमाल करेंगे? ईबीएक्स में लगता है, ईबीएल में लगता है, अभी करे तो करे क्या। लोकी का कहीं ना कहीं तो यूज़ करने के लिए उसका यूनिफॉर्म तो लेना पड़ेगा, बिना यूनिफॉर्म के तो लोकी यूज़ नहीं कर सकते। ऊपर से स्टोरी मोड में डिस्पैच मशीन में भी उसकी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है कभी कभार। तो फिर ऐसे कंडीशन में करे तो करे क्या। तो ऐसे कंडीशन में अभी एक ऑप्शन बचा है मेरे पास में, वो ये है कि सितंबर मंथ में या जुलाई मंथ में अगर लोकी का सीजन 2 आता है तो उसके आने से पहले हम लोग, हमारे पास अभी कितने मंथ है, तकरीबन मेरे ख्याल से मार्च, अभी मार्च चल रहा है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तकरीबन 5 मंथ और है, 5 मंथ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 मंथ, 5 मंथ का गैप है। 5 महीने बाद में नया यूनिफॉर्म आएगा, तो देखो अभी तुमको नीड पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F2P प्लेयर्स जो न्यू प्लेयर्स है, बिगिनर्स है, उनके लिए एक विलन टाइप का कैटेगरी का एक कैरेक्टर चाहिए, सुपर विलन। तो यहाँ पर मैं सुपर विलन कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो है, सस्ते में यूनिवर्सल कैटेगरी का, सस्ते में कम दाम में कम खर्चे में अच्छा कैरेक्टर, वो है लोकी। यहाँ पर मैं सुपर विलन वाला सेक्शन डाल रहा हूँ। सुपर वाला सेक्शन डालने के बाद में गेम में जितने भी सुपर विलन टाइप के कैरेक्टर होंगे, गेम में जितने भी सुपर विलन टाइप के कैरेक्टर होंगे, चाहे उनका यूनिफॉर्म हो या फिर चाहे बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर डिज़ाइन हो, यहाँ पर मैं सारे के सारे सुपर विलन तुमको नज़र आएंगे, और जितने भी सुपर विलन टाइप के कैरेक्टर है वो यहाँ पर स्क्रीन पे है। तो इसमें यहाँ पर मैं लोकी भी तुमको दिख रहा है, वो लोकी भी है, हल्का लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म, फियर इटसेल्फ वाला यूनिफॉर्म वो परचेस कर सकते हो, वो भी सुपर विलन टाइप का कैरेक्टर है, उसको भी ले सकते हो, वो भी स्टोरी मोड डिस्पैच मिशन, डिमेशन मिशन, उसके बाद में डिमेशन रिफ्ट और स्टोरी मोड अल्टीमेट मोड, सारे मोड क्लियर कर सकता है। तो लोकी का सीजन 2 आने में जब तक वो आता है तब तक हम लोग लोकी का ये वाला यूनिफॉर्म परचेस करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो बहुत पहले ले रखा था जब लोकी का अपडेट आया था तब, तो तब से लेके अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टोरी मोड क्लियर करने के लिए। और जो अपना अल्टीमेट स्टोरी मोड है, स्टोरी मोड गेम में एक स्टोरी मोड आता है, मैं वो स्टोरी मोड के बारे में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा स्टोरी मोड है, इसमें से एक आता है ये नॉर्मल मोड और दूसरी तरफ में ये आता है एक अल्टीमेट मोड, और इस अल्टीमेट मोड में यहाँ पर मैं कई तरह के चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, तो ये स्टोरी मोड के चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को क्लियर करने के लिए आपको सुपर विलन टाइप के कैरेक्टर्स लगेंगे। चैप्टर 6 में सुपर हीरो टाइप का कैरेक्टर्स चाहिए, जिसमें क्लियर करने के लिए थॉर, आयरन मैन या किसी और टाइप ऑफ हीरो कैटेगरी के कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बाकी के चैप्टर्स में आपको विलन टाइप के कैरेक्टर इस्तेमाल करने हैं, जस्ट लाइक अ लोकी, हल्क, थानोस जैसे हेवी ड्यूरेबिलिटी वाले कैरेक्टर जो स्टेजेस में लंबा चलते हैं, मतलब लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक, जल्दी नहीं मरते, ऐसे वाले कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, और उसमें हल्क बेटर है। मैं हल्क रिकमेंड करता हूँ F2P प्लेयर्स के लिए, कभी भी एनी टाइम हल्क ले सकते हो, हल्क और लोकी दोनों भी अच्छा है विलन कैटेगरी में। और जैसे कि मैं बता रहा था कि विलन कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट लोकी है, सस्ते कम दामों में 800 CCF के अंदर में आने वाला टीयर 3 कैरेक्टर, 800 CCF में, जैसे थॉर को, आयरन मैन को, हल्क को टीयर 3 करते हैं, सेम वैसे लोकी को भी टीयर 3 कर सकते हैं कम दाम में, और इसको ऑब्लिस के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल भी CTP की ज़रूरत नहीं है, ऑब्लिस के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। स्किल्स रोटेशन थोड़ा बता देता हूँ मैं,
स्किल्स रोटेशन इसका इस्तेमाल कर सकते हो 3, 4 और ये 5, सॉरी 3, 5, 4 लेना चाहिए था, मैंने उल्टा ले लिया, कोई बात नहीं, होता है 3, 5 और ये 4। ये कुछ इस तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो जहाँ पर मैं स्किल नंबर 4 का जो एनिमेशन चल रहा है उस एनिमेशन के साथ में ऑब्लिस्क का जो एक प्रॉक होता है 5 सेकंड के लिए, उसका एक ये चीज़ रहती है एक्टिवेट रहता है 5 सेकंड तक एक बोनस एक्टिवेट रहता है, उस बोनस को स्किल एनिमेशन के साथ में एक्टिवेट करने से, एक्टिवेट कैसे करना है कि वो उसको जब प्रेस करना है, प्रेस करने के साथ साथ वो एक्टिवेट हो जाएगा, तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा जब तुम उसको यूज़ करोगे ना तब, या फिर मैं एक्सप्लेन करके बता दूँ तो मेरे को स्टेज खेलना पड़ेगा। एक काम करना, ऑब्लिस्क वाली मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है, हाउ टू सेट प्रॉक, हाउ टू गेट प्रॉक, हाउ टू सेट प्रॉक इन ऑब्लिस्क MMF इन इंडिया, ऐसा एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। अगर ये वाले टाइटल लगन तो यूट्यूब पे सर्च करते हो तो तुमको मेरी वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैंने ऑब्लिस्क का गाइड वीडियो बना के रखा है कि ऑब्लिस्क के अंदर में प्रॉक कौन सा होता है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, उसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में समझा के रखा हुआ है, तो वो देख लेना। और ये गाइड में कम्युनिटी जो लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में जो लिखा हुआ है बोनस ऑब्लिस्क के अंदर में, वो इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स को, वो स्किल कैंसिल करने से जो एनिमेशन रहते हैं उसको कैंसिल कर होने से प्रोटेक्ट करते हैं गार्डवे कम्युनिटी, तो गार्डवे कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। साथ में नीचे में जो ग्रीन कलर के बोनस में जो 200% फॉर वन अटैक लिखा हुआ है, ये है मेन प्रॉक, और ये प्रॉक से स्टेज में किसी भी स्टेज में स्टेज को जल्दी क्लियर करने के लिए ये जो बोनस है ग्रीन वाला बोनस इंक्रीज बेसिक डैमेज बाय 200% फॉर वन अटैक 5 सेकंड्स के लिए, जो 5 सेकंड्स तक जो ये जो बोनस एक्टिवेट होता है ना इसको बोलते हैं प्रॉक, और ये प्रॉक CTP में होता है, ऑब्लिस्क में होता है। इसको सही तरीके से पढ़ो और पढ़ने के बाद में सेम ऐसा ही बोनस लाना। अब इसमें जो है ना कुछ कुछ तरीके के बोनस आते हैं 100%, 120%, उसके बाद में 130%, अब उसके बाद में फिर 140%, उसके बाद में और 160%, 180% और फिर 200%। तो इस तरीके से बोनस आते हैं ऑब्लिस्क के अंदर में, और ऑब्लिस्क को अपग्रेड करने के लिए आपको दूसरे टाइप ऑफ ऑब्लिस्क को अपग्रेड करके उसमें मिक्स करना होता है, तो उस तरीके से वो ऑब्लिस्क अपग्रेड होता है। और उसके अंदर चेंजेस करने से आपको चेंजेस करने का चेंज ऑप्शन में क्लिक करना है, चेंज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑटो चेंज पे सिलेक्ट करना है, या फिर तुम मैनुअली यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर 200% का प्रॉक वगैरह है तो यहाँ पर मिल जाएगा, और बाकी का और भी मैंने ऑब्लिस्क वाले गाइड वीडियो में दिया हुआ है, तो ऑब्लिस्क का गाइड वीडियो देख लेना, ठीक है। तो लोकी का सीजन 2 आएगा, तब तक यूनिफॉर्म परचेस कर लो, और लोकी जिसको नीड है लोकी का यूनिफॉर्म, जिसको नीड है वो लोग लोकी का यूनिफॉर्म ले सकते हैं। कौन सा वाला लेना है? प्रेसिडेंट वाला। कौन सा वाला लेना है? प्रेसिडेंट वाला, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाला यूनिफॉर्म लेना है। ये यूनिफॉर्म बेस्ट है लोकी के लिए, और तुमको स्टोरी मोड क्लियर करना है, अल्टीमेट मोड ऑटो प्ले पे छोड़ना है, ये आराम से स्टेज क्लियर कर लेगा। इसके पास में हीलिंग ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, स्टेजेस में टिक जाएगा। लेकिन इस कैरेक्टर से वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करने की कोशिश मत करना, ये उसके लिए बना हुआ नहीं है। इसको टीयर 4 मिलने के बाद ही अपना कमाल दिखाएगा, और जब तक इसका टीयर 4 आता है तब तक के लिए, तब तक ये वाला यूनिफॉर्म यूज़ कर सकते हो नया अपडेट आने तक, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ, समझ लेना। और जिन जिनको कन्फ्यूजन था कि लोकी का यूनिफॉर्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ले सकते हो, अपडेट आने में टाइम है। कुछ लोग बोल रहे कि सितंबर में आएगा, कुछ लोग बोल रहे कि जुलाई में आएगा, तो भाई टाइम है अभी भी, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख होगी 11 या 12 तारीख होगी आज की, तो अभी भी टाइम है। जुलाई बोले तो बहुत टाइम है अभी, अभी मार्च महीना आधा ही हुआ है जस्ट, तो अप्रैल मई जून जुलाई तकरीबन 3 मंथ है हमारे पास अभी भी अपडेट के लिए। तो 3 मंथ में तो आराम से तुम 1000 क्रिस्टल जो इन्वेस्ट करोगे अभी, तो उसको 3 मंथ में तो आराम से कलेक्ट कर लोगे, तो नया वाला यूनिफॉर्म के लिए क्रिस्टल कलेक्ट हो जाएगा जुलाई तक, तो जुलाई को बहुत टाइम आने में, ठीक है। तो लोकी का यूनिफॉर्म परचेस कर लेना, और जो भी बेस्ट विलन टाइप के विलन कैटेगरी के कैरेक्टर्स थे उनमें से सबसे बेस्ट जो है कम कॉस्ट में F2B प्लेयर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए लोकी है। बाद में फिर हल्क है, हल्क को ले सकते हो, यूनिफॉर्म खर्चा कर सकते हो। फियर इट्स सेल्फ वाला जो यूनिफॉर्म है जो अभी स्क्रीन पे मेरे दिख रहा है, ये वाला हथौड़े वाला, ये वाला यूनिफॉर्म परचेस कर सकते हो, बेस्ट है, बेस्ट है। उसके बाद में थैनोस भी बेस्ट है, अपने कैटेगरी में बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। अगर नीड हो तभी लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा कैरेक्टर है और उसको अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा मटेरियल भी लगेगा, तो अगर नीड है तो ही करो, तो ही उसका यूनिफॉर्म परचेस करो, नहीं तो फिर उसका टीयर 4 आने का वेट करो। वैसे अभी गोसाडा का भी टीयर 4 बाकी है, लोकी का भी टीयर 4 बाकी है, अल्ट्रॉन का भी टीयर 4 बाकी है, और थैनोस का टीयर 4 आने में टाइम लगेगा। तो थैनोस का अगर यूनिफॉर्म परचेस करना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा यूनिफॉर्म है, कल के टाइम मेटल के वीडियो में बताया था।
तो टाइमलाइन मेटल वाली जेंग्रे वर्सेस स्पाइडरमैन वाली वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। और सुबह आईडी चेक वीडियो अपलोड किया था मैंने, तो वो भी देख लेना, उसमें भी न्यू प्लेयर्स के लिए गेम कार्ड दिया हुआ है। तो जाओ जाके वॉच कर लो, और चैनल के प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारी कैरेक्टर बिल्ड वीडियो है, तो वो भी वॉच कर लेना। उसमें लोकी का भी बिल्ड वीडियो बताया मैंने, लोकी को कौन से उरू देना है, कौन से ब्लेसिंग्स उरू देना है, किस तरीके से कौन से बोनस वाले आइटम देने हैं, किस तरीके से सेट करना है, वो मैंने डिटेल में समझा के रखा हुआ है। तो जाओ जाके देख लो। और आई स्वेट कैसे सेट करते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, हाउ टू सेट आई स्वेट, तो वाली वीडियो भी देख लेना। हाउ टू सेट आर्टिफैक्ट वाली वीडियो भी देख लेना सर्च मार के, और हाउ टू सेट ऑब्लिस्क वाली वीडियो भी देख लेना सर्च मार के, यूट्यूब पे मेरी वीडियो मिल जाएगी, आराम से अच्छे से देख लो प्रॉपरली, अच्छे से पूरा गाइड डिटेल के साथ में प्रैक्टिकल वीडियो के साथ में करके दिया हुआ है। अपग्रेड कैसे करना है, चेंजेस कैसे करना है, उसके अंदर में बोनस जो आते हैं उसको कैसे चेंजेस करना है, कैसे अपग्रेड करना है, उसकी भी मैंने वीडियो बना के दी हुई है। और ऑब्लिस्क को अपग्रेड करके उसके अंदर के बोनस को कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने सिखाया हुआ है, करके दिखाया हुआ है, तो वो भी तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चेंज बोनस ऑप्शन, चेंज ऑटो बोनस, ये मैंने ऑब्लिस्क का सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने इसको बोनस चेंज किया इसके वाले, और यहाँ पर मैं 200% का प्रॉक वाला बोनस ढूंढना है, और ये रहा वो 200% वाला बोनस, और इसके बोनस बाकी बोनस के अंदर में जाके सिलेक्ट कर लेना है 160 का, 180 का और 200 का, ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, एक और बार सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में ऑटो चेंज पे क्लिक करना है, और ये ऑटो सिलेक्ट होता रहेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, नहीं हो रहा है ठीक है ओके पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली उसको अपग्रेड करता रहेगा, जब तक वो बोनस आएगा नहीं तब तक ये ऑब्लिस्क को अपग्रेड करता रहेगा। तो ये ऑटो भी कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो। देखो 140 का प्रॉक आ गया था तो वो चला गया, तो 140 का प्रॉक वहाँ पर आता है। ऑब्लिस्क में 100 से लेके 200 तक का प्रॉक आता है, उसमें 150 का प्रॉक नहीं आता, 120 का आएगा, 130 का आएगा, 140 का आएगा, 160 का आएगा, 180 का आएगा और 200 का आएगा। 200 का तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ऑब्लिस्क के गाइड वाला वीडियो देख लेना, उसमें इसमें इसके बारे में डिटेल में समझा के रखा हुआ है। और ऑब्लिस्क के अंदर का जो प्रॉक है उसको कैरेक्टर के साथ में कैसे एक्टिवेट करना है स्टेज के अंदर में, उसके ऊपर मैंने एक थॉर वाली वीडियो बना रखी है, तो वो एक देख लेना, पुरानी वीडियो ज़रूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जाके ज़रूर चेकआउट कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑब्लिस्क को जो प्रॉक है वो प्रॉक को एक्टिवेट कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो ये लोकी का आइकॉन दिख रहा है, इस तरफ में लोकी का फेस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टच करेंगे तो कैरेक्टर स्विच होगा। तो यहाँ पर मैं देखो ये एक यहाँ पर मैं बोनस लिखा हुआ है, वो जो मैं ग्रीन कलर का बोनस बताया था 200% प्रॉक वाला ऑब्लिस्क के अंदर में, वो बोनस यहाँ पर एक्टिवेट होता है। उसके बगल वाला बोनस जो ग्रीन कलर का है उसको अगर मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर गार्बेज इम्यूनिटी का बोनस दे रखा है ऑब्लिस्क के अंदर में, तो यहाँ पर वो शो दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं इंक्रीज बेसिक डैमेज बाय 200% फॉर वन अटैक 5 सेकंड्स तक। तो ये जो 5 सेकंड्स तक जो बोनस एक्टिवेट रहेगा स्टेजेस को जल्दी डैमेज क्लियर करने के लिए और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देने के लिए, इसको बोलते हैं प्रॉक। और ये प्रॉक एक्टिवेट कब होगा, जब मैं उसको स्किल एनिमेशन के साथ में एक्टिवेट करूँगा, जैसे 3, 5 और 4 जैसे मैं प्रेस करूंगा प्रॉक एक्टिवेट हो जाएगा। अरे माले, एक्टिवेट हुआ था वो, अब उसको वापस से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये देखो ये मैंने कर लिया इसको एक्टिवेट, देखो अरे यार ये फिर चला गया। ऑब्लिस्क के एनिमेशन के साथ में प्रॉक बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको एक्टिवेट करना बोले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर एनिमीज बहुत जल्दी मर जाते हैं, अगर एनिमीज जो कंप्यूटर से बनाए हुए एनिमीज है स्टेजेस के अंदर में जो आ रहे हैं अटैक कर रहे हैं उसको एनिमीज बोलते हैं, तो ये एनिमीज अगर जल्दी मर जाते हैं तो इससे क्या होगा, यहाँ पर प्रॉक जो है वो एक्टिवेट होकर जल्दी बंद हो जाएगा, जैसे ये अभी बंद हो गया था। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ऑब्लिस्क के अंदर में प्रॉक को एक्टिवेट करते हैं, और ये एक्टिवेट कब रहेगा, जब एक बहुत बड़ा बॉस रहेगा जो जल्दी मरेगा नहीं, मरने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको एक्टिवेट करना और उसको दिखाना मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। आई होप करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया होंगे लोकी का कैसा यूज़ करना है, उसका ऑब्लिस्क का कैसे एक्टिवेट करना है, और जब हम लोग वर्ल्ड बॉस लेजेंड या बड़े बड़े स्टेजेस खेलते हैं तो वहाँ पर मैं एक ऑब्लिस्क का ग्रीन कलर का एक पार्ट आता है जो एक्टिवेट होता है 5 सेकंड्स के लिए, फिर 5 सेकंड्स के बाद में बंद हो जाता है, और फिर उसको वापस एक्टिवेट होता है 5 सेकंड्स के बाद, तो ऐसे वो 5 सेकंड्स के लिए एक्टिवेट होता है। तो वो ऑब्लिस्क वाले गाइड वाले वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ टू सेट प्रॉक एक वीडियो, उसके बाद में हाउ टू सेट ऑब्लिस्क ये वाले एक अलग से वीडियो देख लेना, उसके बाद में हाउ टू कलेक्ट ऑब्लिस्क ये वाला एक अलग वीडियो देख लेना, इसके अंदर भी गाइड वाला वीडियो दिया हुआ है।